और बसपा को जिताना है, देश के जातिवाद को मिटाना है। बसपा व सपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा व सपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, माननीय श्री कांशीराम जी अमर रहे, माननीय श्री कांशीराम जी अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, श्री मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, श्री मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह। रैली है मायावती अखिलेश का बहुत चाहते हुए इंतजाम होता है, तस्वीरें गाजीपुर में रैली थी, अखिलेश यादव, अजीत सिंह और मायावती तीनों की संयुक्त रैली थी, और ये तस्वीरें दिखा रहा आपको, वो निकलने वाली है। ड्राइवर साहब ऐसे ऐसे लगेंगे, हाँ लाइए, सीधा लाइए, क्या इधर से आएंगे उधर से आएंगे? गाड़ी ठीक है, गाड़ी ठीक है। Thank you.
सवाल पूछना तो पूछे ना। ये क्राउड है, भीड़ है, अमूमन इस तरह की होती नहीं है हालात, बहुत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। उसके बाद भी जो लोग हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, गाजीपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और थोड़ी देर में वो अखिलेश के साथ अजीत सिंह, अखिलेश यादव और मायावती की मीटिंग चल रही है। हमें काफ़ी इंतजाम होते हैं, उसके बाद भी काफ़ी रश है, बड़ी रैली थी और अभी मैं आज थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, उसके बाद कुछ लोगों से बात नहीं करेंगे। ये देखिए BSP सुप्रीमो मायावती जो है वो निकल गई हैं, और ये तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ मैं आपको, और देखिए ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, और अफजाल अंसारी हैं सर, देखिए किस तरह के रश हैं, भीड़ है। अफजाल सर, अफजाल जी, अफजाल जी क्या क्या कहेंगे, बड़ी मेरे भाई, मेरे भाई, ठीक है ठीक है, आज आगे आओ आप, चलो पीछे, अफजाल अंसारी है मेरे साथ। रैली थी आपके यहाँ संयुक्त रैली थी, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी रैली की भीड़ देखकर? प्रतिक्रिया हमको क्या देनी है, आपने देख ही लिया गाजीपुर की जनता उमड़ के मैदान में आ गई, उसका तेवर आप देख ही रहे हैं। एक हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हो रही है, इसमें कौन आया था, इसमें कौन आया था, वही तो आपने तो देखा होगा, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे हैं सीढ़ियों में बैठ के, ये सपना देखे कमेरा बनाम लुटेरा। तो ये देखिए अफजाल अंसारी है, गाजीपुर में एक मैसिव रैली हुई है, बड़ी रैली, किनारे किनारे गए थोड़ा जी आप लोग, अरे धक्का क्यों दे रहे हो यार, अरे मुझे साइड कर रहा है, धक्का कौन साइड कर रहा है। तो अब अखिलेश यादव निकल रहे हैं और बहुत भीड़ होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा भीड़ होती है समर्थकों की, और बहुत इम्पॉसिबल है बात कर पाना। गठबंधन को जो रैलियाँ होती है उसमें मैसिव प्रोटेस्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है बात कर पाना लोगों से, लोगों में बहुत उत्साह है, सिक्योरिटी का बड़ा रीज़न होता है, और बहुत सिक्योरिटी की वजह से आप बात नहीं कर सकते। अमूमन रैलियों में इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है कि आप बात नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अफजाल अंसारी के लड़के हैं जो जिनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये गाजीपुर से सीधे तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको, जहाँ आज चलिए अजीत सिंह की रैली थी, और मेरे साथ वरुण है, वरुण वरुण ने लगभग रैलियाँ कवर की है, क्या रिस्पांस लग रहा है वरुण, क्या होने वाला है? अच्छा है, और जो इस बार भाजपा तो लगभग उत्तर प्रदेश से गई, तो उत्तर नहीं, आपने हरियाणा महाराष्ट्र हम सब लोग साथ थे, नागपुर में भी थे, विजयवाड़ा में भी थे, देश भर की अगर रैली की बात करें तो क्या लग रहा है कि BSP के लिए कैसा रहेगा परफॉर्मेंस? BSP के लिए इस बार बहुत अच्छा माहौल है, और खास करके उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही जबरदस्त माहौल है, और जो है हमको लग रहा है कि यूपी से तो भाजपा का लगभग सफाया है, यूपी से सफाया है। भीड़ के लिहाज से कह रहे हैं या लोगों से बातचीत हो रही तो क्या कह रहे हैं? नहीं, भीड़ के लिहाज से भी और लोगों से बातचीत के लिहाज से भी, जैसे हम लोग कोई रैली को कवर करने के, वरुण आपने कितनी रैलियां देखी होंगी कम से कम अभी? मैंने इस वाले सेशन की कम से कम 39 रैलियां अभी तक कवर की है, 39। तो वरुण की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, 45-46 डिग्री टेम्परेचर में लगातार ट्रैवल करते हुए रैलियां कवर कर रहे हैं, अभी तक हैं ट्रैवलिंग में। तो देखिए वरुण जो है, मैं इसलिए इनसे बातचीत कर रहा हूँ कि ये संभव नहीं है, और टेलीविजन अखबार चूंकि बहुजन समाज की खबरों को नहीं दिखाता है,
वरुण अपने कैमरे से देश भर में बीएसपी की रैलियां कवर करते हैं, दिखाते हैं आपको। और सचमुच बहुत मेहनत, रिसोर्सेज की बात छोड़ दीजिए, पैसे की बात छोड़ दीजिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपका फिटनेस होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है और वरुण के पास है। और वरुण ने 39 रैलियां कवर की है। शुक्रिया वरुण हमसे बात करने के लिए। रैली चुनाव के बाद हम लोग फिर लाइव जुड़ के बात करेंगे। ओके, थैंक यू। तो बीएसपी की रैली में बहुत भीड़ होती है और 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 ये देखिए बहुत भीड़। हाँ, नेशनल दर्शक, बहुत भीड़ है, अद्भुत भीड़ होती है यहाँ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह की भीड़ होती है। और आज गाजीपुर में सातवें चरण में जो वोटिंग होनी है, इन्हीं इलाकों में, गाजीपुर, बनारस, बलिया, इन इलाकों में वोटिंग होनी है, जहाँ से मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा था। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर। ऐसे में गाजीपुर में ही जहाँ अखिलेश यादव की रैली हुई है। जनता ने मन बना लिया है और गठबंधन के पक्ष में समर्थन से वोट मिला है। गिनती क्या होगी, गिनती ऐसी होगी शायद सोची नहीं होगी, और ये सरकार जा रही है उसके लिए वोट मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप भाषण देते हैं, हमारे बच्चे ने आपको सुना, मायावती ने आपको सुना, पहला हमला जो गठबंधन पर कांग्रेस पार्टी पर होता है, क्यों? शायद आज अभी अगर आपने भाषण सुना होगा तो हमने कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस का इतने नाम ले लिया है, कांग्रेस को वोट ही नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस खुद ही स्वीकार कर रही है कि जितने भी उन्होंने प्रत्याशी लड़ाए सब कमजोर प्रत्याशी लड़ाए हैं। तो ये गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं अपनी पार्टी बनाने के लिए। ये फर्क है, ये गठबंधन जीतेगा तो बीजेपी रुकेगी। लेकिन मैं सहारनपुर की बात करूंगा, तो मैं में था जिस तरह से कांग्रेस के वहां भी मजबूत कैंडिडेट, अपेक्षाकृत मजबूत कैंडिडेट आए ना, वहां आपके जो स्थानीय कार्यकर्ता हम कहते हैं कि गठबंधन का वोट भी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो प्रत्याशी लड़ाए हैं कांग्रेस ने वो उधार के प्रत्याशी हैं, वो उनके प्रत्याशी नहीं है, वो उधार के प्रत्याशी हैं। वो उन्होंने कई दलों से मांग करके उन्हें लड़ाया है। मैं नहीं समझता हूँ कि उन प्रत्याशियों के मतदान होने जा रहा है उनके पक्ष में, क्योंकि जनता ये जानती है कि गठबंधन बीजेपी को रोक रही है। गठबंधन रोकेगा बीजेपी को, और इसलिए रोकना चाहती है कि आप सोचो, किसान से वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। ये गाजीपुर वही है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के सांसद उनके बारे में कहा, कृष्णा सिंह गहमर, कि उन्होंने एक अपना लोकसभा में भाषण दिया था और दाने बीन बीज करके बीन बीन के लोगों ने खाए थे। ऐसी गरीबी है, हम उनसे जानना चाहते हैं 7 साल में गरीबी हटाने के लिए क्या फैसला लिया है। बगल में गंगा बह रही है, बताओ गंगा मैया को साफ करने के लिए क्या फैसला लिया है। लेकिन राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं वो भी उनकी बातों को दोहराते नजर आते हैं। जो सरकार एक फौज के बर्खास्त सिपाही से घबरा जाए वो क्या आतंकवाद को रोकेगी? एक सरकार जो भर्ती ना करा पाए, यहाँ का नौजवान जाना चाहता है देश की रक्षा में जाना चाहता है, क्यों नहीं भर्ती करा पाए? आज हाथ खड़े करवाइए, एक एक नौजवान जाना चाहता है वहाँ। तो ये केवल झूठा राष्ट्रवाद इसलिए है क्योंकि किसान के सवाल पे जनता में जा नहीं सकते, बेरोजगारी के सवाल में जा नहीं सकते, नोटबंदी के लाभ नहीं उठा सकते। हमें तो एक गांव में बताया, उसने जेब से नोट निकाला और कहा कि जो दस्तखत है जिसके
उसने कहा कि नोटबंदी खराब है, आप जेब से रुपया निकालिए। अगर उर्जित पटेल का दस्तखत है इसी वजह से तो रुपया है वो। आपकी बात अगर मान लें कि मोदी जी जा रहे हैं तो आप लोग आ रहे हैं तो पोस्ट पोल सिनेरियो की बात होती है, तो पोस्ट पोल सिनेरियो में कांग्रेस के साथ भी आपको जाना पड़ेगा, कांग्रेस का ये जरूरी नहीं है कि किसके साथ जाना है, ये गठबंधन मिलकर के तय करेगा कि भविष्य में सरकार किसकी बनाए। जी एक आखिरी सवाल कि अगर ऐसी सूरत हाल आती है, क्योंकि पहले भी मायावती जी बीजेपी के साथ जा चुकी है, ऐसी कोई सूरत हाल आती है आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि एसपी बीएसपी साथ आएगी ये भी एक समय में हाल ये 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 जरूर मुझसे आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ गठबंधन मिलकर के फैसला लेगा। कोई भी गठबंधन का सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं जब सरकार उनकी नहीं बन रही है, इस तरह का रूमर वो फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि सपा का वोट बसपा में नहीं जा रहा है, बसपा का वोट सपा में नहीं आ रहा है, ये वही लोग हैं जो रूमर फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। आपके लोग भी मायावती प्रधानमंत्री के तौर पर मिनिस्टर लेकर घूम रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नया हो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर उत्तर प्रदेश से बने कोई, और उत्तर प्रदेश से दिए भी हैं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी लड़ रहे हैं, थोड़ा साफ कर। लेकिन आपको तो पता होगा, ये सबको पता है कि मैं किसके समर्थन में रहूंगा, मायावती जी के समर्थन। मैं ये नहीं बताऊँ, 23 तारीख को मिल करके फैसला लेना। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।